गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9, दैट इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। सो कल हमने इस चैप्टर में फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो 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 हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए जो ज़रूरी होता है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फूड क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको फूड क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, ठीक है, ये आपके क्या हैं, फूड क्रॉप्स थे। नाउ टुडेज टॉपिक इज कैश क्रॉप्स। फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स ओनली फॉर सेल इन द मार्केट। जो फार्मर है, किसान है, वो कुछ ऐसी क्रॉप्स, कुछ ऐसी फसलें उगाते हैं जिसका सिर्फ जिसको वो सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं, ठीक है, मतलब उसको खाने के लिए नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ बेचने के पर्पज़ से ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। और उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स, ठीक है, मतलब उनको बेच के उनको क्या मिलता है, कैश मिलता है, इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स आर ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, सुगर केन, स्पाइसिस, टोबैको, टी एंड कॉफ़ी। जो इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, ऑयल सीड्स हैं जिनसे आपको ऑयल मिलता है, कॉटन, जूट, सुगर केन, स्पाइसिस जो भी मसाले होते हैं, ठीक है, गन्ना, जूट, टोबैको और टी एंड कॉफ़ी, ये आपके क्या हैं, ये आपके कैश क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड्स इंक्लूड ग्राउंड नट, सेसमे, तिल, मस्टर्ड, कैस्टर सीड, ड्राई कोकोनट और कोपरा, सनफ्लावर एंड लिनसीड। जो ऑयल सीड्स हैं उसमें आपके कौन कौन से सीड्स आते हैं, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली, सिसमे जो तिल का ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, कैस्टर सीड्स होते हैं, ड्राई कोकोनट्स उससे भी आपका ऑयल बनता है, ठीक है, सनफ्लावर जो सूरजमुखी का तेल होता है, ठीक है, लिनसीड, ये सब आपके जितने भी सीड्स हैं उनसे आपको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, ठीक है। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। और ये जितने भी ऑयल सीड्स हैं ये आपके हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं। द ऑयल दैट वी यूज फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम ऑयल सीड्स। और जो ऑयल हम जो जिस तेल का हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, वो कहाँ से हमें मिलता है, ऑयल सीड्स से, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। और उस ऑयल सीड्स या उस ऑयल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। जिनसे फाइबर बनता है उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। और आपकी फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जूट एंड कॉटन। जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स, कारपेट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो जूट है उसका हम यूज़ क्या कर किस लिए करते हैं, बैग्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, कारपेट और भी बहुत सारी चीज़ बनाने के लिए हम जूट का उपयोग करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस मेनली इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। जो जूट है वो मेनली कहाँ पे ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा में। कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और जो कॉटन है उसको कहाँ, कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, वो मेनली आपके पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका कॉटन, इस मैप में आपका कॉटन का प्रोडक्शन दिखाया गया है कौन कौन से स्टेट में होता है, और इस मैप में आपका जूट प्रोडक्शन दिखाया गया है, ठीक है। तो जूट का प्रोडक्शन मेनली आपका कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, असम, बिहार, ठीक है, और उड़ीसा में, ठीक। आपका ये जितना भी ये ग्रीन कलर से शो किया जा रहा है, जितने भी स्टेट्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जूट ग्रो किया जाता है। और ये आपका जो ऑरेंज कलर से शो किया गया है, इन स्टेट्स में क्या ग्रो किया जाता है, कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे पंजाब हो गया, ये मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब आपके इन स्टेट्स में आपका जो मेनली है वो कॉटन ग्रो किया जाता है, ठीक है, ये कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है इन स्टेट्स में, ठीक। स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, चिलीज, क्लोव्स, कार्डमम, फेनुग्रिक, क्यूमिन सीड्स, नटमेग, सिनेमन एक्सेट्रा। जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, जो आपके मसाले होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका पेपर, काली मिर्च, चिलीज जो आपकी मिर्च होती है, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम जो आप इलायची, फेनुग्रिक, मेथी, क्यूमिन सीड्स जो आप जीरा यूज़ करते हैं, ठीक है, नटमेग, जायफल, सिनेमन, दालचीनी, ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके स्पाइसेस हैं, ठीक है। स्पाइसेस आप कहाँ यूज़ करते हैं, आप अपने खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, ठीक है। दे हैव मेडिसिनल वैल्यूज़ एंड आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड। और इन सब स्पाइसेस की मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती है, मतलब ये
चिकित्सा में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, और ये खाने में यूज़ किए जाते हैं उसका फ्लेवर, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, ठीक है। दे आर ग्रोन मेनली इन केरला एंड कर्नाटका, और जो स्पाइसेस हैं मेनली कहाँ पे, कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं, केरला और कर्नाटका में। टी इज़ ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। जो टी है, चाय है, ठीक है, वो आपके मेनली कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं, असम में, वेस्ट बंगाल एंड जो तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ग्रो किया जाता है, क्या, ठीक है। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और जो कॉफ़ी है वो मेनली आपके कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।